गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आज आप COVID-19 लॉकडाउन की जो बेसिक सीरीज है उसमें वीडियो नंबर 17 और एलजेब्रा का वीडियो नंबर 2 देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि एलजेब्रा के बेसिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म्स, कॉन्स्टेंट वेरिएबल के बारे में हमने डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर आपको बेसिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो पहले ही देख लिया है, समझ लिया है, जान लिया है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। इस वीडियो के अंदर हम एलजेब्रा का एडिशन और एलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन साथ साथ में करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे एलजेब्रा का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में कंसेप्ट को मिसप्लेस कर देते हैं और उनका पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। इसलिए मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ में लेके ही चलूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम एडिशन करेंगे। मैंने आपको एक रूल सिखाया था कि एलजेब्रा के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपको जो टर्म दिए जाते हैं वो टर्म हमेशा लाइक टर्म होते हैं और लाइक टर्म का ही आप एडिशन कर सकते हो। फिर से मैं बता दूं, लाइक टर्म वो टर्म होते हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, और अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वेरिएबल दिखाई दे तो उसके लेफ्ट साइड में 1 मान लेना है ताकि वो पूरा टर्म एज्यूम हो जाए। तो अगर वेरिएबल अकेला है तो उसका कांस्टेंट 1 होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एडिशन में क्वेश्चन नंबर 1, एम प्लस एम। यहाँ पे दोनों एम है और दोनों लाइक टर्म है, इसीलिए मैं इसका एडिशन करूँगा। एम प्लस एम 2m हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करते वक्त आपको कोई लाइक और अनलाइक टर्म देखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हो। आप चाहे लाइक टर्म हो तो भी उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो और अनलाइक टर्म हो तो भी आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे m इंटू एम का आंसर हो जाएगा m स्क्वायर। नेक्स्ट बात करेंगे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये लाइक टर्म है तो लाइक टर्म का एडिशन हो जाएगा 3x, और यहाँ पे m इंटू एम इंटू एम इज इक्वल टू एम क्यूब। नेक्स्ट यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास में सिखाया था पहले एडिशन होता है, x प्लस एक्स 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x, में से 2x जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ पे m इंटू एम एम स्क्वायर इंटू माइनस 2x। वैसे तो ये अनलाइक टर्म है मगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त अनलाइक टर्म लाइक टर्म देखने की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो। तो यहाँ पे माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा, एम स्क्वायर एक्स, एम स्क्वायर एक्स, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x माइनस 5x इज इक्वल टू 5x, में से 5x जाएगा तो 0 बचेगा। और यहाँ पे 2x प्लस 2x इंटू 3x 2 इंटू 3, पहले कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई करा देना है, 2 इंटू 3 6, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 5x। यहाँ पे पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 5 जा 30, 6 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस मान लेना है, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। नेक्स्ट एक्स प्लस वाई, मैंने बताया ये अनलाइक टर्म है तो ये सॉल्व नहीं होगा, आंसर वही का वही हो जाएगा एक्स प्लस वाई, मगर अनलाइक टर्म के अंदर आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हो जाएगा आंसर एक्स वाई, मल्टीप्लाई की साइन डिजापियर हो जाएगी। नेक्स्ट 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x प्लस 2y। यहाँ पे ये दोनों अनलाइक टर्म है इसलिए एडिशन नहीं होगा, जो क्वेश्चन है वही का वही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, मगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में और डिवाइड में लाइक अनलाइक नहीं देखना है आपको, तो आप डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 और 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू
वाई। नेक्स्ट यहाँ पे एक दो तीन और चार टर्म है, मतलब ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो पहले हम इनका एडिशन कर लेते हैं। 2x² + 2x² इज इक्वल टू 4x² माइनस 4x² + 4y² यहाँ पे 4x² में से 4x² जाएगा तो ये कट हो जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ 4y² यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर 2 × 4 x² × x² इज इक्वल टू x^4 × 4y² यहाँ पे अनलाइक टर्म है मगर मल्टीप्लाई है इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 4 × 4 = 16 x^4 और y^2 x^4 और y^2 तो आपको इस तरीके से एलजेब्रा के एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने हैं, क्योंकि सब्सट्रैक्शन वाला पोर्शन है वो एडिशन में ही कवर हो जाता है। हम डिवीजन के लिए अलग से एक वीडियो आपको बना के देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। यहां पे 2x² - 4x² है तो 2 में से 4 जाएगा, वैसे तो जाता नहीं है क्योंकि 4 बड़ा नंबर है, तो हम इंटीजर वाला रूल यूज करेंगे, 2 − 4 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, -2। इसलिए इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, -2x² और यहां पे मल्टीप्लाई में लाइक अनलाइक देखना नहीं है, तो 2 × 4 = 8 ± x^2 मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाता है, इसलिए x^4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मैंने फिर बताया था यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है मगर इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, पावर मैच नहीं हो रही है इसलिए ये अनलाइक टर्म होते हैं और अनलाइक टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है, ये हमें पता है कि अनलाइक है मगर मल्टीप्लाई में लाइक अनलाइक देखना नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। 4 × 4 = 16 p^2 p^1 मल्टीप्लाई में पावर का प्लस हो जाता है, 2 + 1 = 3 हो जाएगा, इसलिए 60 p^3 हो जाएगा। नेक्स्ट 2y² + 4y² दोनों लाइक टर्म है, ऐड हो जाएंगे, 6y² - 6x² ये अनलाइक टर्म है क्योंकि y की पावर 2 है इसलिए ये आगे सॉल्व नहीं होगा, मैं इसको एज इट इज नीचे ड्रॉप डाउन कर देता हूं। मगर अनलाइक लाइक टर्म मल्टीप्लाई में कुछ ऐसा नहीं होता है, इसलिए 2 × 2 = 4 × 2 = 8 y की पावर 4 हो जाएगी −6x^2 8 × 6 = 48 ± y^4 x^2 मैं पावर को कंबाइन करता मगर यहाँ पे वेरिएबल अलग है इसलिए मैं पावर को कंबाइन नहीं करूंगा, एज इट इज इसको मैं नीचे ले लूंगा। अगर यहाँ पे y^4 और y^2 होता तो मैं अब लिखता y^6। नेक्स्ट -m − -m − − + हो जाएगा, इसलिए −2m + 2m −+ −, ये दोनों कट हो जाएंगे, आंसर होगा 0। नेक्स्ट −± मतलब ये माइनस साइन का कोई मतलब नहीं रहेगा, −± + हो गया, इसलिए अब m × m × m ये हो गया m³ और ये 2, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2m³। तो बस आज के दिन के लिए ही इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और उसमें आपको हम पढ़ाएंगे डिवीजन ऑफ एलजेब्रा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आपने जाना समझा और बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच, टू बी विथ अस एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज, ये वीडियोज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।
इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।